हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू विजन एकेडमी। तो हम CHS के लिए जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी में संधि समास और अलंकार, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो संधि के बारे में जो है आज एक क्लास चलेगा, संधि का आपका, फिर समास का, फिर अलंकार का, इस तरह से। तो आज संधि के बारे में हम यानी कि डिस्कस करते हैं। तो संधि क्या होता है? जोड़, ठीक है। दो शब्दों का जो जोड़ होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? हम संधि, ठीक। अब स्वर संधि, स्वर और व्यंजन दो तरह के जो है अक्षर होते हैं, ठीक। तो स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होता है? जिसमें मात्रा होती है उसे हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन जो मात्रा से मुक्त होते हैं, इसमें मात्रा यानी कि जो मात्रा के सहारे बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, ठीक। स्वर संधि, मूल स्वर चार होते हैं। कौन कौन से मूल स्वर? कितने होते हैं? चार, ठीक। मूल स्वर चार होते हैं, अ ई उ री। क्या क्या होते हैं? अ ई उ री, ठीक। इन्हें हास स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? हास स्वर। हास स्वरों के मेल से ही दीर्घ स्वर बनते हैं, और स्वरों के मेल से ही क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे अ धन अ बराबर क्या हो जाता है? अ धन अ बराबर आ, ठीक है। छोटी या छोटा है कहा जाता है इसे, छोटा है और छोटा है। इसी तरह से ई धन ई बराबर ई, ठीक है, ई, ठीक है। जल्दी, जैसे छोटा ही मिलके बड़ी ई बनाते हैं, उ उ, ठीक है, उ उ और उ हो जाता है, उ उ, ठीक। री, इसी तरह से दो री मिलकर री हो जाते हैं, अधन ई बराबर ए होता है, ठीक। अधन ए बराबर ए, या अधन ए, अधन ई बराबर ए होगा, अधन ए बराबर आए, अधन ऊ बराबर ओ, और अधन ओ बराबर आओ, ठीक। तो अधन अ बराबर आ हो गया, ईधन ई बराबर ई, और उधन ऊ बराबर ऊ। तो ये सब दीर्घ संधि में आते हैं, और अधन ई बराबर ए जहाँ पर होता है, अधन ए बराबर ए, अधन ऊ बराबर ओ, तो क्या होता है? गूढ़ संधि। दीर्घ संधि जैसे, इसका एग्जांपल क्या है दीर्घ संधि का? जैसे देहांत, देह धन अंत, देह धन अंत बराबर क्या हो गया? देहांत, ठीक। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अधन अधन आ है ना, अधन आ, अधन आ बराबर आ होता है। तो इस तरह से क्या हो गया? दीर्घ संधि। सूर्य धन अस्त बराबर क्या है? सूर्यास्त। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। और आत्मा धन आनंद, आत्मा धन आनंद बराबर आत्मानंद, ठीक। आत्मा धन आनंद बराबर क्या है? आत्मानंद। इसी तरह से रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, रवि, रवि धन इंद्र बराबर क्या है? रविंद्र। इसी तरह गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। मतलब छोटा उ जो है यानी कि तेज़ी से आप मतलब, और बड़ा उ मात्रा रहे तो उस पर यानी कि जोर देकर बोलेंगे। अब गुड़ संधि देखिए। अब गुड़ संधि क्या होता है? जहाँ पर अ धन ई बराबर क्या हो जाता है? ए। जैसे नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया? नरेंद्र, ठीक। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्य धन उदय बराबर क्या है? सूर्योदय। यानी कि अ धन उ बराबर ओ हो जाता है। महाधन ईश बराबर महेश। जल धन उर्म बराबर क्या हो गया? जलोर्म, ठीक। पर धन उपकार बराबर क्या है? परोपकार। और गंगा धन उर्म बराबर क्या है? गंगोर्मी। क्या है? गंगोर्मी, ठीक। क्या है? गंगोर्मी। अब अगला हम देखते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि, वृद्ध जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि अ आ के बाद क्या है? ए ऐ अगर आए, अ और आ, अ आ के बाद क्या है? ए ऐ आए, तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है, ठीक। जैसे बन धन औषध, बन धन औषध, अ धन हो क्या हो जाएगा? बन औषध, ठीक। या अधन अ होगा तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, अधन ओ बराबर अ। बंधन औषध बराबर क्या हो जाएगा? बन औषधि। बंधन औषध बराबर क्या होगा? बन औषधि। इसी तरह से महाधन औदार्य बराबर महोदार्य, ठीक। और सदा धन ए बराबर सदैव। और क्या हो गया? जल धन ओध बराबर क्या है? जलाओध। जल धन ओध बराबर जलाओध, ठीक है। अब यण संधि हम क्या देखते हैं? यण संधि,
यड़ संधि क्या होता है? ई के पश्चात, यानी ई के पश्चात असवर्ण स्वर हो, असवर्ण स्वर हो तो क्या हो जाता है, यानी ई का यह हो जाता है, ई का यह, या फिर ऊ का, यानी कि अगर ऊ धन ऊ है, ऊ धन अ है, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ई धन अ बराबर यह, तो अति धन अल्प, अति धन अल्प बराबर क्या है, अत्यल्प, अति धन अल्प बराबर क्या है, अत्यल्प, ठीक। और ई धन आ बराबर क्या है, या, ई धन या बराबर या, इति धन आदि बराबर जैसे क्या है, इत्यादि, इति धन आदि बराबर क्या है, इत्यादि, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक दो बार आप लोग देख लेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। और क्या है, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन बराबर क्या है, दिव्यागमन, देवी धन आगमन बराबर क्या है, दिव्यागमन, ठीक, देवी धन आगमन बराबर क्या है, दिव्यागमन। इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि। ऊ के पश्चात अन्य स्वर हो तो क्या हो जाता है, जैसे सुधन अल्प बराबर स्वल्प, ऊ के पश्चात जैसे अ अगर हो तो वह हो जाता है, जैसे सुधन अल्प बराबर क्या है, स्वल्प। बद्धधन आगमन बराबर क्या है, बद्धवागमन, ठीक। और क्या है, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ठीक। अब हम देखते हैं अयाद संधि क्या है, अयाद संधि के बारे में। ए ऐ ओ औ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, अय औ आय जैसे हो जाता है, इस तरह से, ठीक। अयाद संधि क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इनके स्थान पर आय औ आय नयन नायक पावक हो जाता है, ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग यानी कि देखते रहेंगे वीडियो और हर चीज़ जो है आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।